सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। आपने वीडियो देखी होगी, यानी अभी तक तो हमने सुना था घोड़े शाह, ठीक है जी, कुत्ते शाह भी है एक, ओ सैयद पग्याड़ शाह, ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर मजार है, वो इरसेशन कुत्ते को बग्याड़ कहते हैं ना, सैयद बग्याड़ शाह। कावाली सरकार भी तुसी सुने सी, बिली वाली सरकार भी, ठीक है जी, और अब ये पीर शलवार शाह। कुछ भी हो सकता है जी पाकिस्तान के अंदर, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें, जब जहालत होगी तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास, तो आप देख सकते हैं। हाय हाय हाय, कितने पहुंचे ने सरकार, हाय हाय हाय, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं, ये ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है, और यहाँ आप कमरा में दिखा सकते हैं, देखें ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं, इंच कुछ भी नहीं होता भाई मेरे। तो देखें आप दुनिया किस तरफ जा रही है और कौन सी तरक्की में जा रही है, और हम मुसलमान देखें कहाँ पे फंसे हुए हैं। गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गों का और उलमा का मजाक उड़ा रहे हैं सब बैठ के। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इन चीजों में देखें सारी शलवारें लगी हुई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मजार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो सलवार उतार के, आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। नऊज़ु बिल्लाह। मेरे भाइयों हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मजार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। गई यहाँ आप अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी पड़ी सलवारें जलाई जा चुकी है। अंदाजा करें इन लोगों का, यानी ज़ेन की पस्ती का लेवल, हालत देखें इनकी। अच्छा अब ये जब हम बातें करेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं 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 ये तो जाली पीर है, असली केड़े ने, असली भी चंदे खा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं गरीबों का, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, लोगों के चंदों के ऊपर पलते हैं, कौन से असली हैं? अल्लाह से डर जाए, ये एक पूरा कारोबार है जो चल रहा है, और फिर उसी मजार के ऊपर कुछ शलवारों को आग भी लगाई हुई थी उन्होंने, जाहिर है कि वो इतनी ज्यादा तो संभाल नहीं सकते, तो फिर वो जला देते होंगे। तो अब वो मैं जब वीडियो मुझे इरशाद भाई ने दिखाई तो मैं देख के मैंने कहा यार ये देखें, ये उस उम्मत की हालत है कि जिसका इमाम इमामुल मुवाहिदीन है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिसकी तौहीद के बारे में इतनी सेंसिटिविटी है कि किसी और शख्सियत की ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है, कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का नबी और है, बाबों का नबी और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और।